जी हम पहुंच गए हैं बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी पे और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नूर हसन, डॉक्टर नूर हसन डायरेक्टर हैं ये टेक्निकल और बीएफए के डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इकदाम उठा रहे हैं ये और क्यों ज़रूरी है फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताइएगा कि सर फूड अथॉरिटी ने अब तक कितने काम किए हैं और इसका क्याम कब अमल में आया? वालेकुम सलाम। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी का क़याम तो एक्ट बना है पार्लियामेंट से 2014 में, लेकिन बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी फंक्शनल है सिंस 2019। सो इस हवाले से चूंकि हमारा मैंडेट है कि हम फूड सेफ्टी को मॉनिटर करें और फूड स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करें, सो इस हवाले से जितने भी फूड हैंडलर्स या जो बिजनेस करते हैं फूड का, सो हमारी ऑपरेशंस की टीमें रेगुलरली विजिट्स करती हैं। कुछ वायलेशंस ऑन ग्राउंड जितने भी हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन लिया जाता है, या ऐसे फूड सैंपल्स जिनको वो फौरी तौर पर या ऑन स्पॉट कंक्लूड ना कर सके सेफ्टी के लिहाज से, सो उनकी वो सैम्पलिंग करते हैं। सो वो हमारी लैब में आते हैं, लैब में एनालिसिस होती है, जो जितने जिन सैंपल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं उनकी यहीं पर एनालिसिस होती है, जिनकी यहाँ पर एनालिसिस नहीं हो सकती सो हमारी अलाइड लैब्स हैं तो वहाँ पर हम भिजवाते हैं एनालिसिस के लिए। सर, जब से ये क़याम में आया बलूचिस्तान में क्वेटा में, अब तक आपने कितनी कार्रवाई की है और कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने आपने फूड डिपार्टमेंट्स पे कार्रवाई करते की है और किस प्रिंसिपल के तहत की है? चूंकि हमारा एक्ट है कि हम फूड सेफ्टी को इंश्योर करें, सो जिसके हमारी एक्ट की हमारी लीगल बैकिंग है, सो उसके तहत हम ऑपरेट कर सकते हैं। सो अगर आप पर्टिकुलरली रेस्टोरेंट्स का पूछना चाहती हैं, सो सिंस मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 हमने तकरीबन 5,140 रेस्टोरेंट्स को हमने विजिट किया है। सो इनको हम अपने SOPs सर्व करते हैं और अगर कोई वायलेशन है सो उनको हम तंबीह करते हैं, फिर फॉलो अप विजिट्स करते हैं कि कंप्लाइंस देके कि हमारी इनिशियल विजिट्स के बाद उन्होंने कितना हद तक हमारी SOPs को वो फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से हम ग्रॉसरी स्टोर्स की अगर हम बात करें सो तकरीबन 13,000 से ज़ायद यूनिट्स एक साल के अंदर हमने विजिट्स किए हैं। इसी तरह से डेयरी है, कोई 1,000-1,200 के करीब यूनिट्स है। सो इस तरह से डिफरेंट फूड बिजनेसेस हैं, उनको हम मॉनिटर और रेगुलेट कर रहे हैं। जी, आपने जाने फूड अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस समय मौजूद हूँ क्वेटा के फेमस फूड स्ट्रीट प्रिंस रोड पे, जहाँ पे बेशुमार रेस्टोरेंट है, और इस समय मौजूद हूँ एक जूस कॉर्नर पे और इनसे बात करते हैं, इनके मैनेजर से बात करते हैं कि इनको फूड अथॉरिटी की तरफ से कभी लोग आए हैं, इनका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। तो जी सर, आप मुझे बताइएगा, आप फूड अथॉरिटी के हवाले से, फूड अथॉरिटी वाले भी अफसरान यहाँ पे आते हैं, वहाँ हम लोग भी फूड के हवाले से जितनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं हम उसको अटेंड करके वहाँ पे हम लोग जाते हैं, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन जो फूड के हवाले से हमें हिदायत मिलती है हमारी कोशिश होती है कि हम उस पर अमल करें और साफ़ सुथरा खाना हम लोग प्रोवाइड करें और उसमें भी किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं हो, और हमारा जो गेस्ट आते हैं वो हमारे से खुश हो कि उस हवाले से जो जो हदायत हमें बताई जाए हम उस पर अमल करें और किसी किस्म का भी कोई हमारे को जो है ना तकलीफ ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।